नमस्कार, ओम शांति। बातें हमारी काम की में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हम बातें करते हैं, कौन सी अपनी धारणा युक्त बातें करते हैं कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान कैसे मिले, कैसे प्राप्त हो और राजयोगा मेडिटेशन अपने जीवन में लेकर कैसे आए। तो हमारे इस कार्यक्रम में पधारते हैं हमारे आदर्श जो हमें इन सब बातों की शिक्षा देते हैं और हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी आशा दीदी जी, जिनका जन्म 1952 में अम्बाला में हुआ और बचपन से ही बाल्यकाल से ही वो इस आध्यात्मिक ज्ञान में समर्पित रूप हैं, समर्पित रूप से अपना जीवन दिया हुआ है। और देखा जाए 1969 से वो अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर इस ज्ञान में चल चुके हैं और अपना जीवन समर्पित रूप से सेवाओं में दे चुके हैं। 1976 से वो अम्बाला में सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने सेवाएं दी हैं पटना, दिल्ली, नेपाल में। अभी हाल ही में वो अम्बाला में हैं और देखा जाए तो उनके अंदर खास बात ये देखने में नज़र आती है कि वो शांति की और सहनशीलता की देवी हैं। जैसे कहते हैं कि शांति और शक्ति का एक बैलेंस बना के रखना है, तो हमारे जिनके अंग संग रहकर दीदी सेवाएं दे रहे हैं वो दीदी हैं हमारे कृष्णा दीदी जी। जैसे कहा जाता है कि शांति की देवी, शक्ति की देवी हमारे कृष्णा दीदी जी हैं और शांति की देवी हमारी राजयोगिनी आशा दीदी जी हैं। बाल्यकाल से ही उन्होंने ब्रह्मा बाबा और मम्मा की पालना ली हुई है और उन्होंने जो पालना ली है वही पालना लेने की आज हम भी कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या क्या शिक्षा ग्रहण की, जिस शिक्षा को लेकर हम आगे बढ़ें। आइए स्वागत करते हैं हमारे दीदी जी का और आप भी उन बातों को सुने और ध्यान में लें और अमल करें अपने जीवन में। दीदी जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति जी। जैसे कि हमने बहुत दीदियों से हम मिले भी, कई दीदियों से सुनने में ये भी आया कि उन्होंने ब्रह्मा बाबा मम्मा की पालना भी ली, तो वही बात आपके अंदर भी हमें देखने में आई, सुनने में भी आई। तो आपको क्या, जैसे हम आपसे बातें करते हैं कि आपने बाबा की भी पालना ली, मम्मा की भी ली, आपको उस समय में और आज के समय में क्या परिवर्तन नज़र आता है? यूँ तो वो समय भी बहुत अच्छा था जी और ये समय भी बहुत अच्छा है जी, परंतु उस समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, इस यज्ञ की फाउंडेशन पढ़नी थी जी, तो बाबा को बहुत मजबूत बच्चों की आवश्यकता थी जी, जिनमें सहनशीलता भी हो, धैर्य भी हो और हर परिस्थिति का बहुत सहज रीति से सामना कर सके। क्योंकि बाबा के जीवन में भी बहुत सी बातें आई, क्योंकि वो इस यज्ञ के इंजन थे जी, सब बातें उनके आगे आई। जैसे घर में माँ बाप जिम्मेवार होते हैं, बच्चे तो निश्चिंत होते हैं जी, ऐसे जिम्मेवार हमारे मम्मा बाबा थे, बच्चे सहयोगी थे, साथी थे और जो परिस्थिति बाबा के आगे आती थी उस परिस्थिति को अपनी परिस्थिति समझ करके हम सब ने योग के वाइब्रेशन देने हैं, हम सब ने इस परिस्थिति से पार होने का संकल्प रखना है, तो एक विशेष एक्स्ट्रा बाबा की मदद भी मिलती थी और वो कार्य बहुत सहज रीति से हो जाता था। मुझे याद आता है जब दिल्ली में मेला हुआ था और मेले के लिए रामलीला ग्राउंड में स्थान लिया गया था, तो गवर्नमेंट ने उस समय पर कहा के प्रेसिडेंट ने आना था, तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि ये आपको नहीं मिलेगा ग्राउंड। अच्छा। परंतु इतना ना वो तैयार हो चुका था और ही किसी ने राय दी कि रातों रात इस मेले को और खड़ा कर दो। अच्छा। और गुलजार दादी को लेकर के गए उनसे बात करने के लिए और सारी रात योग किया सबने बैठ करके। अच्छा। कि ये ग्राउंड मिलना चाहिए और यहाँ प्रोग्राम होना चाहिए।
और सचमुच एक अद्भुत चमत्कार हो गया कि जब सीआईडी के व्यक्ति देखने के लिए आए, यहाँ तक बात निकल रही थी कि बुलडोज चला दो और सारा समाप्त कर दो, ख़त्म कर दो जो कुछ इन्होंने खड़ा किया है। ओहो अच्छा। परंतु जैसे ही उन्होंने देखा, उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, हम सब जगह को गिरा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर वहाँ तो देवी माता को बिठाया हुआ है जो इतना गजगोर करती है और असुरों का संहार करती है, ऐसा ना हो उस देवी का हमको भी कोई श्राप लग जाए, हम ये काम नहीं कर सकते। और दूसरे दिन ही सवेरे अखबारों में ये आ गया कि रामलीला ग्राउंड में ब्रह्मा कुमारी का प्रोग्राम होगा और दूसरा एक ग्राउंड है वहाँ पर वो प्रेसिडेंट आएंगे। इतनी अखबारों में एडवर्टाइजमेंट हुई, शायद अगर ये परिस्थिति ना आती तो इतनी एडवर्टाइजमेंट ना हो पाती। तो ये बाबा की एक मदद भी कहो या सबको संदेश देने का साधन भी कहो, क्योंकि जब परिस्थिति आती है तब हम समझते हैं परिस्थिति बहुत बड़ी है, पर परिस्थिति आके चली जाती है और उसके बाद जो होता है उसको देखकर हम फिर खुश होते हैं, वाह बाबा वाह तूने कमाल कर दिया। सोचा भी नहीं था कि इतनी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, इतनी मेल लेके सबको पता लग जाएगा, परंतु सारी अखबार लोगों की आंखें खुलते ही उनको ये संदेश मिल गया कि ब्रह्मा कुमारीज का प्रोग्राम रामलीला ग्राउंड में होगा। तो ये बाबा की कमाल कहे, बाबा की मदद कहे, चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ आती हैं पर उन परिस्थितियों को बहुत सहज रीति से पालन करने का, क्योंकि हम सबका एक ही संकल्प होता है कि हमने विजय, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हमने विजय प्राप्त करनी है, तो बाबा की मदद भी मिलती रहती है। उस समय दीदी आपकी क्या एज हो रही होगी? उस समय 24-25 साल की होंगी। वाह बहुत अच्छे। मैं 15 साल की ही आश्रम में आ गई थी जी। यूँ तो 18 साल के बच्चे को लिया जाता है, पर मेरा, मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम देते ही अपना इस आश्रम में आई, क्योंकि शुरू से संकल्प रहा कि जीवन बनाना तो ऐसा बनाना, नहीं तो दुनिया में जीने का फायदा नहीं। मैं बहुत छोटी थी, मुझे ये साक्षात्कार हुआ था कि बच्ची मैं स्तन में प्रवेश होकर आ चुका हूँ। अच्छा, कहाँ आ चुका है, कैसे आ चुका है, मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे रोज़ दिखाई देते थे बाबा कि बच्ची में आ चुका हूँ तू पहचान, बच्ची में आ चुका हूँ तू पहचान। तो बच्चे थे 5-6 साल के, इतनी अकल तो थी नहीं, कुछ भी पता तो कुछ नहीं था। एक दिन मैं पड़ोसियों के साथ, ऐसे ही पड़ोसी जा रहे थे, उन्होंने मेरे को पूछ लिया तूने जाना, मैंने कहा हाँ जाना। तो मैं उनके साथ आश्रम में गई, बाबा का फोटो देखते ही मुझे ये हो गया कि जिसको मैं ढूंढती थी, जो मुझे रोज़ मिलने के लिए आता वो यहाँ है, इसका मतलब मुझे यहाँ आना चाहिए। फिर मैंने घर में आकर के जिद की माँ बाप से कि मैंने वहाँ जाना है, जिसको मैं रोज़ मुझे दिखाई देता वो वहाँ पर है। उस जिद के आधार से फिर आश्रम में रेगुलर क्लास करनी शुरू की। तो घर वालों ने कोई ऑप्शन नहीं? उस समय तो उनको ये लगता था कि ये जो कुछ बच्चा झूठ तो नहीं बोलेगा, जरूर इसको कुछ दिखाई देता है तभी ये बोलती है, नहीं तो ये क्यों बोले। परंतु पीछे धीरे धीरे, क्योंकि मैं चार घरों में एक ही लड़की थी, अच्छा, तब लोगों को थोड़ा सा ये हो गया, पता नहीं ये शादी नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, तब उन्होंने रोकना शुरू किया। पर हमारी मम्मी ने हमको पूरा साथ दिया, भाई और बाप थोड़ा विपरीत हुए, अच्छा, रोका भी, परंतु हम मम्मी को कह करके स्कूल से आश्रम में चले जाते थे। अच्छा, जैसे आपसे हमने बातचीत की थी, आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी, आपने मुझे कहा था कि श्रीमत, श्रीमत और परमत और मनमत में क्या अंतर नज़र आता है, कि आप तो पहले से ही ब्रह्मा बाबा की श्रीमत में चलते हैं लेकिन आजकल कहीं कहीं मनमत भी मिक्स हो जाती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? श्रीमत तो बाबा जो दे रहा है, और वो श्रीमत हमको रोज़ मुरली द्वारा मिलती है,
यहाँ तक कि सवेरे की दिनचर्या से लेके रात तक बाबा की श्रीमत क्या है, बाबा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। जिसको हम थोड़ा करना नहीं चाहते उसमें हम थोड़ा मनमत मिक्स कर लेते हैं। अच्छा। कि हाँ चलो कोई बात नहीं कर लेंगे, उठना ही है ना, थोड़ी देरी से उठ जाएंगे, योगी लगाना है ना, ठहर के लगा लेंगे। ये हो गई हमारी मनमत। माना हमने अपने विचार मिक्स करने शुरू कर दिए। श्रीमत थी कि सवेरे 3:30 बजे उठ के योग लगाना है। अच्छा। मैंने सोच लिया कि चलो 4:30 कर लेंगे ना, 1 घंटे में क्या फ़र्क पड़ता है। ये हो गई हमारी मनमत। और तीसरी है परमत, जो हम दूसरों के कहने में आकर के अच्छा उसको परमत अवज्ञा करनी शुरू कर देते। फिर क्या है, इतना तो चलता ही है, इतने बड़े बड़े ब्रह्मा कुमार कुमारी भी ऐसा करते हैं, हमने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है। ये हो गया परमत, दूसरों की मत पर चलना। तो श्रीमत तो बाबा जो कह रहा है उसकी एक एक लाइन में हम बच्चों के लिए आज्ञा है। अगर हम आंख बंद करके मुरली की सब बातों को अपने जीवन में लाते जाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और अगर हम अपनी विचारधाराएं उसमें मिक्स करना शुरू कर देते हैं तो फिर हम जितना जीवन बनाना चाहते हैं ना उतना नहीं बनता। फिर कई कह देते हैं हम पुरुषार्थ तो बहुत करना चाहते हैं पर होता नहीं है, ऐसा लगता है अवस्था वहीं की वहीं खड़ी है। उसका कारण है कि हम अपनी मनमत मिक्स करते हैं। ना परमत लेनी है, दूसरों की मत हमको नहीं चाहिए, सारी उम्र हमने दूसरों की मत पर चले, मनमत पर भी बहुत चले, पर अब जो बाबा कह रहा है रोज का रोज बाबा हमको डायरेक्शन दे रहा है, उस डायरेक्शन पर मान हम चलते रहे तो हमारा जीवन सफल है। और वेस्ट थॉट से भी बच जाएंगे, समर्थ संकल्पों की एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। और जो हम लक्ष्य लेके आए हैं मुझे बनना है वो उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। बहुत अच्छा ऐसा। जैसे कि अभी हमने आपकी सेवाओं के बारे में जो मैंने कहा कि आपने पटना, दिल्ली और नेपाल में सेवाएं की हैं, नेपाल तो अलग नेशनल हो जाता है, तो ये आपने स्थान अपने आप चुने थे या ब्रह्मा बाबा के दिए हुए स्थान थे? ब्रह्मा बाबा तो उस समय नहीं थे। अच्छा। क्योंकि 69 में ट्रेनिंग हुई जी जी, ज्ञान में पहले चलते थे तो बाबा को मिल के आए थे। अच्छा। मैं 69 में आई हूँ मई में। अच्छा। और जनवरी में बाबा ने श्री छोड़ा। अच्छा। हाँ तो मई में ट्रेनिंग हुई थी पहली। ट्रेनिंग करने के बाद मुझे ट्रेनिंग के बाद पटना भेजा गया सेवा के लिए। मैं पटना में 5 साल रही। अच्छा। और पटना के कनेक्शन से ही काठमांडू में सेंटर खुला। अरे वाह जी। तो हम नेपाल में भी जा करके सेवा करके आए, क्योंकि मेरी ये इच्छा थी कि मुझे लौकिक घर के पास नहीं रहना, क्योंकि लौकिक घर के पास रहेंगे तो मुझे बुलाते रहेंगे तो जवाब नहीं दे पाता। मुझे दूर दूर सेवा करनी है, ये संकल्प था। नेपाल चली गई तो मुझे और खुशी हो गई कि मैं और दूर चली गई, जल्दी से मतलब बुला नहीं सकते। पर थोड़ा शरीर का हिसाब किताब आ गया। अच्छा। जिसके कारण मुझे इलाज कराने के लिए अंबाला आना पड़ा। क्योंकि माँ बाप को होता है कि शायद हम इलाज कराएंगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगी। और हमारे उस समय कृष्णा दीदी जी को बहुत आवश्यकता थी। अच्छा। मैं उस समय बिल्कुल बेड पर थी, पर वो हमारे लौकिक घर गए मेरे पास, उन्होंने कहा कि चलने फिरने का काम मैं करूँगी, बैठ के सेवाएं आप संभालना। अच्छा। जो आपसे बैठ के कोर्स कराना है, मुरली सुनानी है, मिलना है, जुलना है, बैठने का काम आप करना, हम आपको कोई मतलब नहीं करेंगे।
और जब जीवन दे दिया जाता है तो लौकी घर में तो मन लगने की बात ही नहीं। शायद मैं 10 या 15 दिन ही घर में रही होंगी और मैं फिर आश्रम में आ गई। हमारा सब्जी मंडी वाला पुराना आश्रम है, अच्छा। वहीं कृष्णा दीदी रहते थे, मैं उनके पास रही और वहीं से हमने सेवाएं, ये बाहर जा कर के टूर करके सेवाएं करते थे, मैं घर में जो आए जो जिज्ञासु आ गए उनको समझाना करना मिलना सब ऐसा काम करते थे। तो मुझे 42 साल हो गए अम्बाला में कृष्णा दीदी जी के साथ रहते सेवाएं करते हुए। फिर उनका शरीर रह गया तो वो बेचारे बेड पर पड़ गए और मेरे से जो सेवाएं होती थी और बहनें साथी तैयार हो गए, उन्होंने बाहर की सेवाएं संभाल ली, मैं फिर वही घर की सेवाएं जो मेरे से हो सकता था। क्योंकि जब जीवन दिया है तो श्वासोश्वास सेवा करनी है, ये हमारा लक्ष्य है। होता है तो मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मना जो भी हमारे से सेवा हो सकती है ये मैं लक्ष्य रख करके सेवाएं करती रही और कर रही हूँ। मेरे मन में ये संकल्प रहता है कि अगर मैंने सेवा नहीं की, बैठ गई, तो ये शरीर इतने से भी जला जाएगा, इसलिए इससे जितनी सेवा ले सकते हैं, जो गाय ने दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी सेवा में सफल कर ली है वो हमने। जैसे कि आपने कहा कि आपने दीदी की अंग संग सेवा की, तो दीदी की कोई ऐसी बात जो आपने अंदर भी अपने लिए ली हो कि मुझे भी ऐसा ही बनना है, ऐसे रास्ते पर चलना है, क्योंकि आपने कहा कि उनके साथ 45 वर्ष से भी अधिक हो गए या 45 वर्ष हो गए, तो कोई ऐसी बात उनके बारे में आप कहना चाहेंगे? ऐसा है कि उनके संस्कार भाइयों जैसे थे, अच्छा, शक्तिशाली थे, जो बात कहनी है कह देनी है, क्योंकि दीदी भी बड़े कहते थे ये हमारी बहन दादी भाइयों जैसी है, एक्टिव भी और सेवाओं में आगे भी, अच्छा। और मैं थोड़ा चाहे शरीर की बीमारी के कारण थोड़ा डर के चलती थी, अच्छा, ये संस्कार मेरा था, पर उनके अंग संग रह करके मैं आत्मा भी थोड़ा शक्तिशाली बनी, स्ट्रांग बनी, कि बिना स्ट्रांग बने कार्य नहीं होता है। पर हमारी बहनें कभी कभी कहती है आप कितना भी स्ट्रांग बन जाओ पर जो शांति का विशेषता है वो शांति की ही रहेगी। पर ऐसी बात नहीं, शांति के साथ शक्ति भी काम करती है और बिना शक्ति के भी कार्य नहीं होता है। एक उनके अंदर शक्तिशाली स्ट्रांग संकल्प थे, जो कार्य करना है करना है, चाहे खुद जिम्मेवारी लेके करें, और उनके साथ रह करके दूसरों के साथ कैसे चलना है, कैसे परिवार वालों को गृहस्थ में रहते हुए उनको राय सलाह देनी है ताकि वो परिवार में रहते हुए भी उनका जीवन सुखी खुशनमय बन सके, ये मुझे उनसे सीखने को मिला। ताकि क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ टीचर का रूप नहीं है, अच्छा जी, जी। हमारे यहाँ माँ का रूप भी है, सिर्फ क्लास कराई अंदर आ गए ऐसा नहीं है। जब तक किसी को पूछ करके उसके दिल की दुख की घटनाएं सुन करके उसका मन खाली करके फिर उसको भरपूर करें, ऐसा संकल्प रहता है। ये सब बातें मुझे कृष्णा दीदी जी से सीखने को मिली। आपके अंदर एक बहुत अच्छा गुण है सहनशीलता का। आजकल के जो हम यूथ हैं या बहुत सारे लोग हैं वो सहन नहीं कर सकते, नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम बहुत सारी बातों में चले जाते हैं। आपके अंदर वो विशेष गुण है, तो ये चीज़ हम अपने अंदर कैसे लेके आए? ऐसा है कि मेरे मन में ये आ जाता है कि एक मूर्ति भी बनती है ना जी, वो भी छेने और हथौड़ों की मार खा के बनती है, ऐसे नहीं बनते जी, जी। हमने देवी देवता बनने का संकल्प रखा है तो कुछ बातें तो सहन करनी पड़ेंगी। आज हम शादीशुदा होते तो पता नहीं कितनी बातें सहन करनी पड़ती,
सास की, ससुर की, पति की, फलाने की, धिमगड़े की, यहाँ तो अपना दैवी परिवार है ना जी, जी। चलो मुझे आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगी तो मुझे रहता है कि मैं अगर जवाब दूंगी ना तो ये बात बहुत बढ़ जाएगी और विकराल रूप धारण करेगी। अगर मेरे एक चुप रहने से ये बात खत्म हो सकती है तो मुझे चुप रहना चाहिए। एक चुप सौ सुख वाला पार्ट प्ले किया है और उससे सहन शक्ति आप ही आती रही, क्योंकि एक बोल रहा है और मैं चार जवाब साथ साथ देती रहूं देती रहूं देती रहूं, वो तो वाद वाद विवाद हो जाता है और झगड़े का रूप भी ले लेता है। हाँ, मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी है तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मुझे उस समय नहीं कहनी है जब उस व्यक्ति का मूड देख के, समय देख करके फिर मैं उसको कह सकती हूँ कि आपको शायद गलती लगी, ये बात ऐसे नहीं थी ऐसी थी। उस समय कह करके तो झगड़े को बढ़ाने वाली बात है। और कुछ हमारे लौकिक घर का भी संस्कार था, अच्छा सहनशीलता पीछे का ही, क्योंकि हमारे घर में कभी ऊंची आवाज़ से कोई बात नहीं हुई, किसी ने किसी को कुछ कहा नहीं, किसी ने किसी को कुछ बोला नहीं। हम एक भाई एक बहन, मम्मी पापा चार जने थे और कोई था ही नहीं घर में, जी जी, जी। इसलिए किसी ने किसी को ऊंचा बोला ही नहीं होगा। तो मेरे को कोई ऊंची आवाज़ से बोलता है ना तो पहले तो मेरा दिल धड़कता है और मैं उस समय ये सोचती हूँ कि मुझे इस समय इसको उत्तर नहीं देना है, ये अपने से प्रण करती हूँ। और प्रण करते करते सहनशीलता अपने आप बढ़ती चली गई और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। नहीं तो रोज़ झगड़े हों, रोज़ लोगों को तमाशा दिखाई ना, बिल्कुल। बस मन में संकल्प है कि जब आई गए जीवन बनाने के लिए तो इसको भी सहन कर लो, क्या बड़ी बात है। मीरा ने किसने कितना सहन किया, हमने सहन कर लिया तो क्या बड़ी बात है। मतलब सहनशीलता को मैं बहुत मतलब हल्का समझती हूँ कि आप ही हो जाएगी ये, इसको करने की कोई मेहनत की आवश्यकता नहीं। बहुत अच्छा दीदी, आज आपने भी बहुत अच्छी बातें सीखी होंगी, आपसे बाद में बात करते हैं। फिलहाल दीदी का थैंक्स करते हैं और कुछ बातें के लिए और जानने की कोशिश करेंगे। दीदी जी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने एक तो सहनशीलता के बारे में बताया, दूसरी आपने श्रीमत मनमत और परमत के बारे में हमें एक बहुत अच्छा विचार दिया कि इस तरह से श्रीमत और मनमत और परमत की जाती है। आप इसी तरह से अपना ज्ञान हमें देते रहे, प्यार पालना देते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति। मित्रों, आज हमने जो दो प्रश्न पूछे थे कि सहनशीलता और श्रीमत मनमत और परमत, ये कैसे हम अपने से जो मनमत है और जो परमत है उसको दूर करें और कैसे श्रीमत अपने अंदर लेके आएँ, ये आपने बहुत अच्छे से समझा और जाना भी। मुझे उम्मीद है कि आप अपने जीवन में इसको सहज तरीके से लेके आएंगे। सहनशीलता, कोई भी बात हो जाती है उसको सहन करने की जितना हो सकता है कोशिश करें। सामने वाला व्यक्ति कैसा है उस समय उसको जवाब ना देकर कुछ समय ठहर कर उसको जवाब देंगे, हो सकता है उसको अपनी गलती का एहसास ज़रूर हो। अगली कड़ी में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।